पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान पर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर की पहली प्रतिक्रिया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। भोजपुरी सिनेमा के पॉपुलर अभिनेता पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी और कहा कि वो बिहार की काराकट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर उनके गाने को लेकर हमला किया है। नेहा सिंह राठौर लगातार भोजपुरी गानों में अश्लीलता के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान पर नेहा ने एक के बाद उनके भोजपुरी गानों को वीडियो क्लिप शेयर करते हुए निशाना साधा और कहा कि अब महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा खुद करें। नेहा राठौर ने साधा निशाना। नेहा राठौर ने एक्स पर लिखा कि मारब गोली ता लहंगा लहक जाई, रिमोट से लहंगा उठाने वाले तो भाजपा के टिकट पर संसद पहुंच चुके हैं, अब लहंगे में गोली मारने वाले संसद पहुंचने की तैयारी में है। भूतपूर्व भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। महिलाएं अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें, चुनाव प्रचार के दिनों में लहंगा पहनकर सड़क पर ना निकलें। एक और पोस्ट में नेहा राठौर ने लिखा, साली जी के भाभी जी के लाखों लोगों की आवाज बनकर देश की संसद में जाने के लिए कितनी दृढ़ता और नैतिक बल की जरूरत होती है, इस पर चर्चा का अब कोई मतलब नहीं बचा है। जमाना बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा कि गुरु मंत्र से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे में लाखों लोगों के भैया जी और मिलियंस व्यूज पाने वाले बाहुबली स्टार और रोल मॉडल संसद जाने को तैयार बैठे हैं, राम जाने इन्होंने भाजपा का टिकट वापस क्यों कर दिया, जबकि इनके जैसों के लिए तो एकदम मुफीद पार्टी है भाजपा। खैर, महिलाओं के सम्मान में नए धुरंधर मैदान में आ चुके हैं, महिलाएं अब अपने सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। नेहा सिंह राठौर अपने बेबाक बयानों और कविताओं के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, जिसके बाद भी नेहा सिंह राठौर ने उनके गानों में अश्लीलता के मुद्दे को उठाते हुए निशाना साधा। बाद में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कहा गया कि नेहा राठौर के हमले के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि बाद में पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद एक बार फिर चुनाव लड़ने की बात कही। पवन सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।